हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ये मैच 5 ओवर का होगा। हम टेल्स लेंगे और ये टॉस हो रहा है। टॉस देखते हैं कौन जीता टॉस। तो हम लेंगे बैटिंग, पहले हम लोग बैटिंग कर लेते हैं, बाद में बॉलिंग करेंगे। ये सब दोनों टीमों के प्लेइंग 11 आ रहे हैं। नेस्टरलैंड हमको स्किप करते हैं। रोहित शर्मा सुमन गिल को ओपनर बल्लेबाज है दोनों। चलिए सामने शाहिद अफरीदी हैं, शाहीन अफरीदी। पहली बॉल, मैं इसको सोच रहा हूँ आगे आके ऐसे करके एडवांस कर देते हैं लोफ्ट में। और ये बहुत ही छक्का, पहली बॉल पे छक्का मार दिया। पहली बॉल पे छक्का। और ये दूसरी बॉल मैच की, शाहीन अफरीदी फेंक रहे हैं इसको। मैं सोच रहा हूँ पुल शॉट मारे हैं, पुल शॉट देखते हैं लगता है या फिर नहीं। अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ बैट पे, 2 रन ज़रूर लेंगे हम लोग। डाइव मारते हैं, डाइव डाइव, बच गए अंपायर। चलिए हम लोग बच गए। और ये तीसरी बॉल शाहिद अफरीदी की, ये यॉर्कर फेंक रहे हैं, इसके पीछे मार देते हैं। पीछे मारने पे ये ज़्यादा सेफ रहेगा। नीचे से बॉल निकल गई और सुमन गिल आउट, रोहित शर्मा आउट। चलिए कोई बात नहीं, अगले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। बहुत ही दुख हो रहा है हमें, रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा का बदला विराट कोहली लेंगे, इसे एडवांस करते हैं। और ये बहुत ही लंबा शॉट और ये छक्के के लिए गई बॉल। पिछली बॉल पे विकेट आया था, उसके अगले ही बॉल पे छक्का भी आ गया। और ये शाहीन अफरीदी की 5वीं बॉल, मैं इसको सोच रहा हूँ फिर से वैसे ही मारे एडवांस करके। और ये एक और तगड़ा शॉट और ये सामने की तरफ छक्का, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा। और ये शाहीन अफरीदी की आखिरी गेंद आते हुए, इस ओवर में अभी तक 20 रन आ चुके हैं पर एक विकेट आ गया है। इसको पीछे मारते हैं, पीछे। और ये एक और छक्का, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे अगले गेंदबाज आए हैं, नसीम शाह आए हैं। रन रेट अभी 26 की चल रही है। और ये पहली बॉल, मैं इसको सोच रहा हूँ ऐसे करके बैक फुट पे। और ये बहुत ही तगड़ा छक्का, क्या कनेक्ट हुआ था बैट से, बहुत अच्छा। और ये नसीम शाह की दूसरी बॉल, इसको पीछे अपर कट मारते हैं बैक फुट पे। अरे ये मैं कोई और शॉट मारने का सोच रहा था, ये कोई और शॉट मारे सुमन गिल। इसको वाला शॉट मारते हैं, इस बार लग जाना चाहिए। बाहर चली गई बॉल। और ये नसीम शाह की 4थी बॉल, ये मेरे को लगता है छक्के के लिए जाएगी और जरूर जाएगी। एक और छक्का, 4थी बॉल पे छक्का आ गया। और ये नसीम शाह की 5वीं गेंद, सुमन गिल खेलेंगे। इसको मैं सोच रहा हूँ सामने मारते हैं, सामने मारेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। और ये बहुत ही शानदार छक्का, बहुत शानदार। और ये छक्का था। और अब नसीम शाह की आखिरी गेंद, इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं, बहुत अच्छे रन आ चुके हैं इस ओवर में। अगली बॉल और एक और छक्का। चलिए इस ओवर में आ चुके 24 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 24 रन इस ओवर में आए थे। ये अब तीसरे ओवर के लिए आए हैं, पता नहीं कौन है, एस खान।
और इनकी ये पहली बॉल विराट कोहली खेलेंगे। चलिए इसको आराम से खेल लेते हैं एक रन के लिए। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं सुमन गिल और मेरे को लगता है ये शादाब खान है। इस बॉल को आराम से बैक फुट पंच करते हैं अब ये शादाब खान की तीसरी बॉल सुमन गिल को और ये बढ़िया शॉट पर यहाँ पे दो रन ले लेंगे हम लोग बहुत ही आराम से। और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं फिर से सुमन गिल। ये शादाब खान की चौथी बॉल इसको सीधा मार देते हैं ड्रिफ्टर बॉल। ये अच्छे से बैट से बैट्स कनेक्ट नहीं हुआ है और ये विकेट एक और चला गया। सुमन गिल अच्छा खेल रहे थे पर अब मैदान पे आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव और स्ट्राइक पे है विराट कोहली। ये बॉल मैं सोच रहा हूँ बैक फुट पे मारते हैं और ये बच गए विराट कोहली। और ये अगली बॉल इसको एडवांस करेंगे। ये शादाब खान का ओवर अच्छा गया। ये अब चौथा ओवर, चौथे ओवर की पहली बॉल सूर्य कुमार यादव खेलने जाएंगे। अपनी पहली बॉल भी खेलेंगे सूर्य कुमार यादव और ये बहुत ही तगड़ा बैट से कनेक्ट हुआ और ये छक्का बहुत ही शानदार छक्का। अब थोड़ा रन रेट मेंटेन हो जाएगा इस छक्के के साथ। और अब ये चौथे ओवर की दूसरी बॉल इसे भी वैसे ही मारेंगे हम लोग। बच गए हैं मेरे को लगता है, देखते हैं अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए हैं। थर्ड अंपायर देखते हैं क्या डिसीजन देते हैं। ये बॉल गई और ये लगता है आउट है, आउट। ये हम लोग आउट हो चुके हैं, एडवांस नहीं करना चाहिए था। देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है, अंपायर क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये आउट, आउट दे दिया अंपायर ने। सूर्य कुमार यादव 6 रन बना के पवेलियन वापस 2 बॉल में। अब आ रहे हैं हार्दिक पांड्या और ये चौथे ओवर की तीसरी बॉल। तीसरी बॉल हम लोग सोच रहा हूँ ऐसे खेलें और ये बढ़िया शॉट और ये चौके के लिए गैप में एकदम गई है। गैप में बॉल और 4 रन। इस ओवर में अभी तक कितने रन आए हैं चलिए देखते हैं। इस ओवर में अभी तक 10 रन आए हैं 3 बॉल में। अगली बॉल इसे भी एडवांस करेंगे हम लोग और ये बहुत ही शानदार, बहुत शानदार छक्का, बहुत शानदार। अब ये 5वीं बॉल चौथे ओवर की से पुल शॉट मारते हैं हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे और ये बहुत शानदार शॉट पुल शॉट और ये बॉल गई छक्के के लिए। अभी अगली बॉल यानी कि चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद इसे भी हम लोग ऐसे मारते हैं और ये एक और छक्का। इस ओवर में बहुत ही अच्छे रन आ चुके हैं। ये अब आखिरी ओवर और ये आखिरी ओवर की पहली बॉल जो विराट कोहली खेलने जाएंगे। विराट कोहली 6 बॉलों में 9 रन बना के अभी भी खेल रहे हैं एडवांस और ये बहुत शानदार छक्का विराट कोहली के बैट के द्वारा। ये आखिरी ओवर है, देखते हैं इसमें कितने रन आ जाते हैं। अब ये दूसरी बॉल आखिरी ओवर की 87 रन अभी तक हुए हैं। ये दूसरी बॉल इसे भी एडवांस करेंगे हम लोग। एक और उसी दिशा में छक्का, बहुत लंबा छक्का। विराट कोहली आज पूरे फॉर्म में लग रहे हैं। और अब ये
पांचवें ओवर की तीसरी बॉल, इसे भी वैसे ही मारेंगे। और एक और बहुत तगड़ा छक्का विराट कोहली अपने किंग कोहली इंडिया के। विराट भैया अपने एग्रेशन मोड में आ गए और अब ये आखिरी ओवर की चौथी बॉल, इसे ऐसे मारते हैं बैक फुट पे, ये बॉल निकल गई। अब ये पांचवी बॉल और इसे मैं सोच रहा हूँ पीछे मारते हैं हम लोग, और ये बॉल चौके के लिए एकदम गैप में गई है, वहाँ पे पूरा एकदम गैप खाली था, उसी लिए मैंने सोचा उसी साइड मारे। और अब ये शायद आखिरी गेंद है, हाँ आखिरी गेंद है ये, इससे हम लोग ऐसे इधर आके एडवांस करके मारेंगे लोफ्ट। और ये आखिरी गेंद पे छक्का आ गया। विराट भैया आज एकदम पूरे फॉर्म में थे। तो दोस्तों पहले इनिंग में रोहित शर्मा 8 रन बना के आउट हुए, फिर शुभमन गिल ने भी अच्छा साथ दिया, वो 9 गेंदों में 26 रन बनाए। फिर अपने विराट भैया का तो पूछो ही मत, वो आज एकदम फॉर्म में थे, 12 गेंदों में 47 रन। और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए तो 2 बॉल में 6 रन। उसके बाद हार्दिक पांडे नॉट आउट और विराट कोहली भी नॉट आउट गए थे, और हार्दिक पांडे 4 बॉल में 22 रन नाबाद।